हे हेलो व्हाट्सअप गाइस। और आज मैं एकदम अलग वीडियो आपके सामने शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ रीज़न है उसका। वैसे ऐसी चीज़ें मुझे शेयर करना पसंद नहीं है, क्योंकि जो भी मैं करती हूँ वो दिल से करती हूँ, और ऐसा मैं कईयों बार कर चुकी हूँ। ये डॉग है जो हमारे यहाँ गोडाउन पे रहता है, और ये अभी सिर्फ 1.5-2 महीने का डॉगी है, छोटा सा है, पपी है। और इसको 2 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा था, तो जो हमारे गोडाउन पे जो बाबा रहते हैं उन्होंने बताया कि ये 2 दिन से कुछ खा नहीं रहा। मेरा सडनली प्लान हुआ गोडाउन पे जाने का, तो तब ये बात पता चली, तो हम इसको डॉक्टर के यहाँ लेकर पहुँच गए। क्योंकि ये जो स्ट्रीट डॉग होते हैं इनको कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं मिलती है। जो पालतू जानवर होते हैं उनको टाइम टाइम पर टीके लगते हैं, तो वो बीमार नहीं होते हैं, और ऐसी छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की सहन शक्ति उनके अंदर ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो स्ट्रीट डॉग होते हैं इनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कोई उनको टेक केयर करने वाला नहीं होता है। तो स्पेशली मेरी आदत है कि अगर इस टाइप की, मेरी नहीं मेरे और भाई की आदत है दोनों की, कि अगर हमें ऐसा कुछ दिखता है तो हम मतलब जो हो सकता है उस टाइम हम करते हैं। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं कि इसको क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। आज को फीवर है। अगर जो इसको हुआ वायरल की बीमारी होती है, पार वो जो जानवरों में चलती है अक्सर करके डॉगों में, तो जानलेवा होती है। उसमें क्या होता है, पहले फीवर आता है, फिर उल्टी चालू हो जाती है, दस्त पतले हो जाते हैं, उसमें ब्रेन आने लग जाता है। तो वो जानलेवा बीमारी होती है, उसमें से बहुत कम बच पाते हैं ये लोग, क्योंकि वैक्सीन वगैरह तो इनमें कोई लगवाता नहीं है। जो अगर बाबा मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ, अगर इसको वायरल नहीं हुआ, वैसी मौसम की वजह से भाई दे सर्दी लगने से भी कैब देखिए कभी अभी हो जाता है, तो इसको तुरंत आराम मिलेगा। और मैं कुछ गोली लिखूँगा वो दे देना शाम को, और तो कल दिखाना चाहते एक बार दिखवा जा रहा हूँ गोली के कैसे दे मैं बता दूँगा आपको, है ना। और अगर जो वायरल हुआ मैडम, तो इसको समय लगेगा, यहाँ से आगे इसकी स्थिति अभी ख़राब होगी। तो डॉक्टर साहब ने मेडिसिंस लिख दी हैं, और साथ में इसको 3 इंजेक्शन भी लगाए थे। और ये कुछ इस तरीके का, इनका जो केबिन है वो इस तरीके का है डॉक्टर साहब का, जहाँ जो डॉगी होते हैं उनकी सारी चीज़ें मिलती हैं। इसको 3 इंजेक्शन लगे थे। पहले इंजेक्शन को तो इसने टॉलरेट कर दिया, लेकिन दूसरा और तीसरा लगा तब तो इसने बहुत शोर किया था, क्योंकि इसको समझ में आ गया था कि इसको कुछ करवाने लेकर आए हैं हम। और जी ये है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, अगर इस एरिया में आप हैं तो ये आ सकते हैं यहाँ पर। और चलिए चलते हैं, इसको इसको छोड़ते हैं इसकी मम्मा के पास। तो चलिए चलते हैं इसको लेकर। स्टार्टिंग में ये मेरे से, जब इसको इंजेक्शन लग गए तो मुझसे बात नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ये मेरे से बात करने लग गया। मतलब कि मेरे साथ में बैठी हुई थी, मेरे पैर के ऊपर अपना फेस रख कर सो गया था, और इससे पता लग रहा था कि इसको आराम मिल गया है। और जैसे ही अपनी मम्मी के पास गया, वहाँ पर जाकर तो ये एकदम नॉर्मल हो गया, खाने पीने लग गया, और अभी वो बिल्कुल सही है। गाइस, अगर आपको भी इस टाइप के स्ट्रीट डॉग कहीं मिलते हैं तो जो भी हो सके उनको थोड़ा सा केयर दे दिया करिए, क्योंकि पालतू जानवर तो हर कोई रख लेता है, लेकिन स्ट्रीट डॉग के लिए कोई केयर नहीं करता। तो ये एक्चुअल में वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही बना ली, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने के लिए कि अगर इस टाइप के डॉग्स हैं जो आपके आसपास हैं, बीमार हैं या फिर खाते पीते नहीं हैं, तो हो सके तो आपको सुकून मिलेगा अगर आप उनके लिए थोड़ा सा कुछ करेंगे तो। और क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर से जो दुआ देते हैं ना, वो आपको 100% कभी ना कभी, कहीं ना कहीं लगती है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। आई होप कि आपको मेरा ये मैसेज समझ में आया होगा। जाओ जाओ तुम जाओ।